रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अमेरिका की ओपन टेलीकॉम सॉल्यूशन प्रोवाइडर रेडिसिस को खरीदने के लिए एग्रीमेंट पर साइन किया है। 5G और इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि IoT जैसे फ्यूचर एरिया में जियो की स्थिति को मजबूत करने के इरादे से इस डील को पूरा किया गया है। इस डील में करीब 7.4 करोड़ डॉलर की वैल्यूएशन शामिल है। दोनों कंपनियों ने एक संयुक्त बयान में कहा कि रेडिसिस का हेडक्वार्टर हिल्सबोरो और ओरेगन में है एवं कंपनी के पास करीब 600 कर्मचारी हैं। रेडिसिस के पास बेंगलुरु में इंजीनियरिंग टीम होने के साथ साथ दुनिया भर में सेल्स और सपोर्ट ऑफिस भी है। रेडिसिस द्वारा दी गई बयान में कहा गया कि रेडिसिस कॉरपोरेशन ओपन टेलीकॉम सॉल्यूशन एक ग्लोबल लीडर है और इसे भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने एग्रीमेंट के तहत $1.72 प्रति शेयर के हिसाब से खरीदा है। रेडिसिस को बयान में यह भी कहा गया कि डील रेगुलेटरी अप्रूवल के अधीन है और रेडिसिस के शेयर होल्डर्स की सहमति के साथ है। इस डील में आकाश अंबानी का कहना था कि रेडिसिस की टॉप क्लास मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग टीम से रिलायंस को इनोवेशन और सॉल्यूशन डेवलपमेंट में मदद मिलेगी। इससे हमारे सॉफ्टवेयर पर केंद्रित नेटवर्क और प्लेटफॉर्म को फायदा मिलने के साथ साथ कंज्यूमर और एंटरप्रेन्योर सेगमेंट को भी लाभ पहुंचेगा। आकाश अंबानी ने यह भी कहा कि इस डील को 5G और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के एरिया में रिलायंस जियो के इनोवेशन और टेक्नोलॉजी पोजिशन को बढ़ाने के मकसद से की गई है। वही रेडिसिस के CEO ब्रायन ब्रॉन्सन का कहना है कि रेडिसिस की टीम स्वतंत्र रूप से काम करती रहेगी। इसके अलावा रिलायंस की लीडरशिप और मजबूत मार्केट पोजीशन से हम ओपन सेंट्रिक एंड टू एंड सॉल्यूशन और लार्ज स्केल इंटीग्रेशन को डेवलप करने की अपनी क्षमता को बढ़ा सकेंगे। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट।